और 30,000 है। राफेल घोटाले को लेकर के राफेल विमान में जिस तरीके से घोटाला किया गया वो पूरे देश की जनता जान रही है। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो राफेल घोटाले में पूरी तरीके से संलिप्त हैं, यही कारण है कि कांग्रेस कमेटी जब से राफेल घोटाला उजागर हुआ है निरंतर सड़कों पर है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए राफेल घोटाले पे कोई बात नहीं कहना चाहते हैं, कोई बात नहीं रखना चाहते हैं। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात तो ये हुई कि जब आलोक वर्मा सीबीआई के डायरेक्टर जो राफेल घोटाले की फाइलों को इकट्ठा कर रहे थे, राफेल घोटाले की जाँच के लिए काम कर रहे थे, रातों रात उनको हटा दिया गया, उनसे जांच जो है प्रभावित हुई। आज पूरा ये स्पष्ट हो गया है कि देश की जनता जान चुकी है, पूरे देश में शोर है, चौकीदार चोर है, अब तो ये स्पष्ट है चौकीदार भ्रष्ट है। इन दो मांगों को लेकर के कानपुर का कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर है, संघर्ष कर रहा, निरंतर आंदोलन कर रहा। आज धरने के माध्यम से अपनी बात कहते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन प्रेषित करके दोनों ही प्रकरण की जांच कराने की मांग कर रहा और दोषियों को दंडित करने की मांग करता है।